Hello everybody, welcome to Civil Stat. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history. और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. तो इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंस के बाद इवेंट्स हुए थे, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और इन क्वेश्चन को अगर आप क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट बाई गोइंग ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज civilstat.com, और वहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2014, एंड इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू. तो हम सभी ने रेडक्लिफ कमिटी का नाम सुना है, और इसमें पूछा गया है कि उसका एम क्या था, उसका पर्पज़ क्या था टू अपॉइंट दिस कमिटी. आर ऑप्शंस आर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, सेकेंड इज गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, थर्ड इज डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड फोर्थ इज एंक्वायर इन टू द रायट्स इन ईस्ट बंगाल. तो वी हैव ऑलरेडी रेड और नो अबाउट द रेडक्लिफ कमिटी. यू मस्ट ऑल्सो नो दैट इट वॉज फॉर्म टू डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो जब इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस उनको मिली थी, जब इंडिया और पाकिस्तान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो उसी टाइम पर कि उनके बीच क्या क्या बाउंड्रीज होंगी, उसको सेट करने के लिए इस कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था. सो सी इज द आंसर हेयर. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट रेडक्लिफ कमिटी. So this was formed to delimit the boundaries between India and Pakistan. We have already know that. And this committee was formed to recommend how the Punjab and Bengal regions of Indian subcontinent were to be divided. तो हम जब हम partition के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे India से partition करके Pakistan को अलग किया गया था, तो उस time पर जो Punjab और Bengal के regions थे, उनका partition किया गया था. तो यहाँ पर हम map में भी देख सकते हैं, here we have the area of Punjab. तो जो dark brown है, that part of Punjab is in India. और जो लाइट डार्क ग्रीन है, दैट पार्ट ऑफ पंजाब इज इन पाकिस्तान. इन द सेम वे बंगाल में हम देख सकते हैं, डार्क ब्राउन पार्ट ऑफ बंगाल इज इन इंडिया, एंड डार्क ग्रीन पार्ट ऑफ बंगाल इज इन पाकिस्तान. तो इस तरीके से पंजाब और बंगाल के जो प्रोविंसेस थे, उनको डिवाइड कर दिया गया था रिलीजन के बेसिस पे. यानी जो मेजॉरिटी एरियाज थे मुस्लिम्स के, उनको पाकिस्तान में भेज दिया गया था, और मेजॉरिटी हिंदू एरियाज को इंडिया में रखा गया था. इसी तरीके से बंगाल में भी हुआ था. सो दिस कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने चार मेंबर्स जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कम इस कमेटी में शामिल थे, एंड चार मेंबर्स थे वो थे मुस्लिम लीग के. ये दोनों पार्टीज थी जो रिप्रेजेंट करती थी हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को उस टाइम पर. एंड दिस कमेटी वॉज चेयर्ड बाय सर साइरिल रेडक्लिफ, और उन्हीं के ही नाम पर इस कमेटी को नाम दिया गया. सो दिस डिमार्केशन लाइन जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ब्लैक से हमारे पास रिप्रेजेंटेड है पंजाब और बंगाल को डिवाइड करने वाली. सो दिस डिमार्केशन लाइन वॉज पब्लिश्ड ऑन 17th August 1947. दो दिस लाइन वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और फाइनलाइज्ड ऑन 12th August, लेकिन इसको 17th August तक पब्लिश नहीं किया गया, सो दैट 15th August और जो इंडिपेंडेंस डे था 14th August पाकिस्तान के लिए, उस टाइम पर बहुत रायट्स ना हो जाएं. इसी वजह से काम और पीस को मेंटेन करने के लिए इस डिमार्केशन लाइन को 17th August को पब्लिश किया गया. अभी भी हम देख सकते हैं कि जो इस लाइन का वेस्टर्न साइड है, वहाँ पर वो इंडो पाकिस्तानी बॉर्डर है, और जो ईस्टर्न साइड है वो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, क्योंकि जो ईस्ट बंगाल था उसको 1971 में उसे इंडिपेंडेंट करके एक डिफरेंट कंट्री बना दिया गया, दैट वॉज बांग्लादेश. सो हियर वी कैन सी. तो ये जो लाइन है रेडक्लिफ कमेटी, इसकी वजह से बहुत सारे रायट्स हुए थे, कम्युनल रायट्स हुए थे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी. उसमें से एक हम प्रेजेंट में भी देख सकते हैं कि जो कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर अभी भी जो है उस पर डिस्कशंस हैं. तो वो उसका रीज़न क्या है, वो रेडक्लिफ कमेटी की वजह से ही है, क्योंकि अभी 1/3 एरिया ऑफ कश्मीर जो है वो पाकिस्तान ने एनेक्स किया हुआ है, एंड दे कॉल दैट आज़ाद कश्मीर. तो जो है वो रेडक्लिफ कमिटी का जो डिमार्केशन था, उसको रेस्पेक्ट नहीं किया गया, और उसी को ही एनेक्स करके पाकिस्तान ने उस एरिया को एक्वायर कर लिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडक्लिफ कमिटी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1996 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस अचीव कर ली थी, अटेन कर ली थी, तो उसके बाद इनमें से कौन से लीडर ने ये सजेस्ट किया था कि अब हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहीं पर वाइंड अप कर देना चाहिए, यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। और ऑप्शन आर सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी दैट इज़ जे बी कृपलानी, महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। Answer is option C, that is Mahatma Gandhi was the one who suggested that Indian National Congress should be wind up after the India attained independence, क्योंकि उनको लगता था कि जो Indian National Congress है उसका aim था independence achieve करने का, तो जब India ने independence achieve कर ली है तो अब इस Indian National Congress का use नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर अगर ये party जो है और उसके party के जो members हैं वो अगर voluntary basis पे इंडिया को सर्व करना चाहते हैं तो दे कैन, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेन गोल था दैट हैज़ बीन अचीव्ड, सो दिस कैन बी वाइंडेड अप। सो इट वॉज महात्मा गांधी हु सजेस्टेड दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1995 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो एक पार्टी लीड करी थी जो कि रेडिकल विंग थी कांग्रेस पार्टी की, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन ऑपोजिशन टू, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो फॉर्मेशन है उसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो इस पार्टी की फॉर्मेशन इनमें से किस रिपोर्ट को किस रिपोर्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अपोज करने के लिए हुई थी। आर ऑप्शंस आर द फाइनेंस कमीशन, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेहरू रिपोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो व्हेन वी रेड अबाउट नेहरू रिपोर्ट जो कि साइमन कमीशन के रिस्पांस में आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट को ही कंडेम करने के लिए महात्मा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई थी, क्योंकि दे थॉट कि नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस मेंशन था तो उन्होंने सोचा कि डोमिनियन स्टेटस इज़ अ स्टेप बैकवर्ड, वी वांट पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, दैट्स व्हाई दे अपोज द नेहरू रिपोर्ट एंड दे फॉर्म द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। सो आर ऑप्शन इज सी। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्यों डिस्कस किया, वाई डिडंट वी डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट नेहरू रिपोर्ट, बिकॉज फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तीन, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, क्योंकि इन दो ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है। और यहाँ पर आपको रिवाइज भी हो गया होगा अबाउट नेहरू रिपोर्ट एंड दी साइमन कमीशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द रीसेंट प्रीलिम्स ऑफ 2018 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, तो पूरी 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंडिया पर उसका इकोनॉमिकली इनमें से कौन सा वन ऑफ द रिजल्ट है हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सेकेंड इज ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, थर्ड इज कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड फोर्थ इज रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। सो अगर आपने पहली बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा तो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं पर भी गिविन नहीं है कि ऐसा हुआ था पूरी 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल का ये इम्पैक्ट था या ये रिजल्ट था, तो ऐसा डायरेक्टली कहीं भी मैंशन नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर हम एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करना चाहें तो इट कैन बी ईजिली सॉल्व। सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, तो जो पूरी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो सर्विस है और जो बिजनेस था इंडिया में उसको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से रुइन कर दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और वहाँ से जो एक्सपोर्ट करते थे वो गुड्स को, उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो ए कैन नॉट बी दी आंसर बिकॉज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो गया था इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंक्रीज्ड, सो ए कैन नॉट बी दी आंसर। सो वी हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन ए। Then we move to the option B, that is growth in the number of Indian owned factories. तो Indian owned factories हैं वो भी destroy हो गई थी on the arrival of the Britishers, because Britishers ने जो है अपनी industries को set up कर लिया था India में, and those industries were advanced also because they have advanced tools. क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था तो उनके पास एडवांस मशीनरीज थी, एडवांस टूल्स थे, तो उसकी वजह से जो इंडिया की फैक्ट्रीज हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, रोइन हो गई थी, तो उनके जो ग्रोथ है वो इंक्रीज नहीं हुई थी, इवन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज थी उनको भी बंद कर दिया गया था। सो बी कैन नॉट बी द आंसर ऑल्सो।
उसके बाद हम ऑप्शन डी पे आते हैं, दैट इज रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन. तो जो अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन रहती थी इंडिया की, तो दे यूज टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस और फैक्ट्रीज बिजनेस. लेकिन जब हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस और फैक्ट्रीज बिजनेस दोनों ही रुइन हो गए, दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो भी डिक्रीज होने लगी इंडिया में. पीपल स्टार्टेड मूविंग टू द विलेज एरिया सो दैट दे कैन डू फार्मिंग एंड ऑल, बिकॉज उनके पास ऑप्शन वही बचा था. तो इसलिए डी जो है वो भी आंसर नहीं हो सकता. सो नाउ वी आर रिमेन विद ऑप्शन सी, दैट इज सी, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है. और यही रीजन था, सॉरी यही इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का इन दी 19th सेंचुरी. तो जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं ब्रिटिश रूल की, तो वहां पर हमने देखा कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर में भी रेवोल्यूशन लाने का सोचा और उसको और भी ज़्यादा कमर्शलाइज करने का सोचा. तो बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स थी, जैसे हमने देखा इंडिगो को इंडिया में लाया गया, जो कि एक कमर्शियल क्रॉप थी, जिसके लिए इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था. आई हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी विद यू. उसके बाद और भी कमर्शियल क्रॉप्स आई, जैसे कैश्यू है, टी है, कॉफ़ी है. तो इस टाइप के एग्रीकल्चर को पूरा कमर्शलाइज कर दिया गया. इससे पहले इंडिया में एग्रीकल्चर सिर्फ प्रिमिटिव बेसिस पे होता था, यानी सब्सिस्टेंस बेसिस पे, कि जितना लोगों को रिक्वायर्ड होता था वो उतना ही एग्रीकल्चर करते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर पूरे इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, एंड दैट वाज द वन ऑफ द मेन इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी. सो सी इज द आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम इन द रीसेंट प्रीलिम्स ऑफ 2018, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हिंद मजदूर सभा है, जो कि 1948 में स्टैब्लिश की गई थी, तो इनमें से हु वर द फाउंडर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. आर ऑप्शंस आर बी कृष्णा पिल्लई, EMS नंबूदिरीपद एंड KC जॉर्ज. सेकेंड इज जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय एंड MN रॉय. थर्ड इज CP रामास्वामी अय्यर, KA कामराज एंड वीर सलिंगम पंतुलू. एंड फोर्थ इज अशोक मेहता, TS रामानुजन एंड GG मेहता. सो वी हैवंट रेड अबाउट हिंदू मजदूर सभा एज येट, सो वी डोंट नो द आंसर. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अशोक मेहता, TS रामानुजन और GG मेहता जो थे, दीज वर द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा. एंड लेट्स नो मोर अबाउट हिंद मजदूर सभा. सो दिस वॉज फॉर्म बाय द सोशलिस्ट्स इन 1948. तो सबसे पहले बात आपको क्या ध्यान देनी है कि ये कब फॉर्मेशन हुआ था, इसका 1948 में हुआ था. एंड इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट पॉलिटिकल एंड मोस्ट प्रैग्मेटिक ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया. एंड इट इज़ एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस. ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो हिंद मजदूर सभा है ये इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन से एफिलिएटेड है. तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी, इसको एक तरीके से ऐसे नहीं कह सकते कि इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे एफिलिएटेड है, तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड इट वॉज फाउंडेड इन हावड़ा इन वेस्ट बंगाल. ये सारी चीज़ें जो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि इन्हीं से ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC में. सो इट वॉज फाउंडेड इन वेस्ट बंगाल ऑन 29 दिसंबर 1948. और जितने भी सोशलिस्ट और फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉलोअर्स और इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट थे, उन्होंने ही मिलकर इस पार्टी का फाउंडेशन किया था. तो फॉरवर्ड ब्लॉक से आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था सुभाष चंद्र बोस ने इसका फॉर्मेशन किया था. तो उसके जो फॉलोअर्स थे और जो इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट हैं, उन्होंने ही इसका फाउंडेशन किया. और इसके फाउंडर्स में हैं बसोवन सिंह, अशोक मेहता, RS रुईकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बैनर्जी, RA खेडगेकर, TS रामानुजन, VS माथुर एंड GG मेहता. तो इन्हीं में से ही हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से जो फाउंडर्स हैं उनका तीन का नाम दे दिया था. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से जो फाउंडर्स थे वो उसमें इंक्लूडेड थे. और जो RS रुईकर थे वो उसके प्रेसिडेंट थे और अशोक मेहता जनरल सेक्रेटरी थे. तो ये जो दो नाम हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस क्वेश्चन में भी. अगर आपको ये दो नाम ही पता होते, RS रुईकर एंड अशोक मेहता, तो फिर भी आप ये वाला क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, बिकॉज अशोक मेहता से आप और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज अशोक मेहता वाज रिलेटेड टू हिंद मजदूर सभा. सो दैट्स हाउ. ऐसा नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन की नीड है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए. अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो उससे भी आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन.
दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1997 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो पंचशील का कंसेप्ट था और प्रिंसिपल था, तो उनमें से हमारे पास जो चार दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा उस पंचशील के कंसेप्ट का प्रिंसिपल नहीं है? आर ऑप्शंस आर नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, थर्ड इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, एंड फोर्थ इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. तो यू मस्ट हैव ऑल रेड अबाउट पंचशील ऑलरेडी, हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है इसके बारे में और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा है पंचशील, जो बहुत ही फेमस कंसेप्ट है. तो उसमें हमने देखा कि इसमें पांच कंसेप्ट थे, पांच प्रिंसिपल थे जिस जो दिए गए थे, लेकिन उनमें हमने देखा कि नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ दिस कंसेप्ट. सो ए इज द आंसर हेयर. सो अब हम जानते हैं पंचशील के बारे में. सो फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को ही पंचशील ट्रीटी का नाम दिया गया, और इसमें क्या इंक्लूडेड था? नॉन इंटरफेरेंस इन अदर इंटरनल अफेयर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल यूनिटी इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी. तो ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था. और पहली बार जो इसका फॉर्मल कोडिफिकेशन हुआ इस ट्रीटी का, दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954. ठीक है, तो इस तरीके से पंचशील का जो कंसेप्ट है वो फॉर्मली कोडिफाई किया गया चाइना और इंडिया के एग्रीमेंट के बीच में 1954 में. सो दैट जो चाइना का तिब्बत रीजन था और इंडिया का जो रीजन है, उनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट इजीली और पीसफुली हो सके, उसी के लिए इसको साइन किया गया था ऑन 28 अप्रैल 1954. ये भी डेट आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि पंचशील का कंसेप्ट जो फॉर्मली अडॉप्ट किया गया, दैट हैपेंड इन 1954. और इसके अंदर फाइव प्रिंसिपल्स इंक्लूड हैं. तो ये पाँचों प्रिंसिपल्स आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिलिम्स के लिए तो ये ज़रूरी है ही, साथ में आप मेंस में भी इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी. सेकंड इज म्यूचुअल नॉन अग्रेशन. थर्ड इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, मीन्स जो चाइना और इंडिया हैं वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी. इक्वालिटी और कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, तो दोनों कंट्रीज का ही बेनिफिट हो सके उसके लिए इक्वालिटी और कॉपरेशन मेंटेन करना है, और दोनों का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मेंटेन हो सके. तो ये जो पांच प्रिंसिपल हैं ध्यान में रखने हैं, पंचशील में इंक्लूडेड हैं. सो पंचशील एग्रीमेंट सर्व्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो दैट दोनों कंट्रीज में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन हो सके. और अंडरलाइंग अजम्पशन जो है पंचशील का या फिर इन पांच प्रिंसिपल्स का, वो ये है कि जब इंडिया डीकॉलोनाइजेशन हुआ था, यानी ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स चले गए थे और इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, तो उस टाइम पर जो न्यू कंट्री बनी थी इंडिया, वो अपने कैसे रिलेशंस मेंटेन करेगी अदर कंट्रीज के साथ, और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर किन प्रिंसिपल्स के साथ लेकर और कंट्रीज से अप्रोच करेगी, तो उसी को ही हाईलाइट करने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पंचशील ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है. सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आज हमने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम के जो क्वेश्चंस हैं उनको. और अभी जो हमारी एक वीडियो और बाकी है, उसमें हम जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, यानी उन क्वेश्चंस को हम डिमार्केट नहीं कर सकते थे, क्लासिफाई नहीं कर सकते थे, जो हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. एंड आई होप कि आपको हमारे डेली अपडेट्स से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है. एंड फॉर मोर डेली अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज. बाय बाय.